सर, हम एग्री ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टर स्टूडेंट्स जिन्होंने के एग्रीकल्चर में डिग्री की है, चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी प्रोग्राम हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, लाइक हम बोलेंगे स्कॉस्ट जम्मू, स्कॉस्ट कश्मीर से। सर, हमारा कंसर्न है कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो सर थोड़ा हॉल्ट हुआ है, क्योंकि हम देखें कि 2020 में 31 दिसंबर में हमारा एक नोटिफिकेशन आता है, 156 पोस्ट आती हैं सर, फिर क्या होता है क्या ना होता है सर, लेकिन वो कॉश की जाती है वो नोटिफिकेशन, हमारे पोस्ट जो है वो वापस लिए जाते हैं। सर, उससे पहले हम बात करेंगे कि नॉन गेजेटेड पोस्ट, नॉन गेजेटेड पोस्ट्स को निकले हुए करीबन 10 साल हो गए और पोस्ट ये गेजेटेड पोस्ट जो है उन्हें करीबन 15 साल हो गए। सर हम चाहते हैं कि एलजी सर अभी इसमें पर्सनल इंटरव्यू करें कि अगर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हर जगह चल रहा था, हमारे में भी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था सर, वो कॉश किया गया, उसमें सर एक इंटरवेंशन उनका हो और रीऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही थी तो उसका स्टेटस सर क्या है? हमारा सर ये मुतालबा है एलजी सर से, ऑफिशियल्स के पास गए हैं सर, लास्ट टाइम हमें बोला गया था कि रीऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लेकिन तब से सर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। किसी ने बोला कि सेक्रेटरीट में आपकी फाइल कंप्लीशन के वर्ष पे है, लेकिन सर वैसा कोई मतलब सूरत हाल या हम बोल सकते हैं कि आउटकम वैसा कुछ आया नहीं आज तक सर। यस सर, हमारे पास अभी यूटी सरकार के पास स्कॉस्ट जम्मू एंड स्कॉस्ट कश्मीर है और हर साल करीबन 700 स्टूडेंट्स के आसपास, ये 700 नंबर के आसपास स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं एग्री ग्रेजुएट्स, जो कि एलिजिबल रहते हैं जेईओ जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जो कि गेजेटेड पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं और हमारे जो यहां साथ है, तो पिछले कई सालों से इसका पूरा स्कोप अभी नज़र नहीं आ रहा है, ना तो हमारे लिए कोई पोस्ट, ना तो गेजेटेड, ना तो नॉन गेजेटेड पोस्ट एडवर्टीज हुई है, हमारा स्कोप ख़त्म है। अगर यही काम है तो फिर यूनिवर्सिटी इसलिए ये हर ईयर इतने स्टूडेंट्स क्यों पास आउट कराती है अगर हमारा आगे कोई स्कोप नहीं है? हमारे इस मैटर में ये इंटरवीन कीजिए।